गाइज एटीएम में मशीन यानी कि एसी क्यों लगा हुआ रहता है? क्या उसमें निकाले जाने वाले लोगों के लिए ऐसा नहीं? मैं इसमें एटीएम में एसी क्यों लगा रहता है? आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे जानकारी मिलेगा ऐसा क्यों। गाइज भारत में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास गन यानी कि बंदूक है? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सैनिक जो आर्मी होते हैं पुलिस उनके पास नहीं, जो लोकल व्यक्ति यानी कि जो लाइसेंसी बंदूक लेते हैं वो कितने व्यक्तियों के पास भारत में है लाइसेंसी बंदूक? मैं बताना चाहता हूँ कि 33 यानी कि 33,67,000 व्यक्तियों के पास लाइसेंसी बंदूक है, बाकी जो है वह आर्मी पुलिसों के पास है। जो डाक व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया? क्या सरकारों ने किया? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि शेर शाह सूरी ने डाक व्यवस्थाओं का आरंभ किया वह कितने सन पहले? वह 1540 यानी कि 1540 ईस्वी में वह डाक व्यवस्था को प्रारंभ किए, जो कि एक यानी कि प्रत्येक 10 मील के दूर पर एक डाक व्यवस्था यानी कि डाक घर था जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाए थे। जो भालू होते हैं वह भालू यानी कि जंगल में भालू रहते हैं और आदमियों द्वारा रखे जाते हैं, कितने हैं जो कि भालू हैं कैद किए रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो जंगल के भालू हैं उनका वायु यानी कि आयु और जो मनुष्य द्वारा कैद किए गए हैं उनका आयु यानी दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। जंगल के भालू यानी कि मात्र 30 साल वह जिंदा रह सकते हैं सबसे अधिक है, और मानव द्वारा कैद किए गए वह 47 वर्ष तक वह जिंदा रह सकते हैं। जो भालू होते हैं भालू के विभिन्न प्रकार के जातियां हैं यानी कि उसके प्रजाति भालू के विभिन्न प्रकार के हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा भालू है जो कि सभी भालुओं की अपेक्षा उनके बड़े बड़े जीव होते हैं, बड़े बड़े पंजे होते हैं जैसे कि हाथी की तरह बड़े बड़े थाल, जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि उसका नाम क्या है, सूर्य यानी कि सूर्य भालू का नाम है जो कि बड़े बड़े उसके जीव होते हैं और पंजे होते हैं सूर्य भालू के। भालू यानी कि भालू कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है? वह इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है कि कोई यानी कि घोड़ा दौड़ रहा है पहले से और भालू दौड़ना स्टार्ट करे तो घोड़ा को वह तुरंत ही पकड़ सकता है। स्पीड क्या है उनका, मैं बता देना चाहता हूँ कि 64 यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है भालू का जो कि एक घोड़ों को पकड़ने में सक्षम है। दुनिया में यानी कि दुनिया में जो है वह पक्षियों की जनसंख्या कितने हैं? मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में पक्षियों की जनसंख्या 8,650 प्रजातियाँ है पक्षियों का, जो कि केवल भारत में 1,230 प्रकार के भारत में पक्षियाँ पाए जाते हैं, पूरे दुनिया में 8,650। ऐसा पक्षी आपको नजर आया है जो कि हमेशा प्रकाश में रहना ही पसंद करता है? अगर प्रकाश नहीं मिले तो जुगनू जो कि देहाती भाषा में कहा जाता है कि भगजोगनी जो मेथी होता है कीड़ा होता है उसके यानी कि जो पक्षी है वह भगजुगनी कीड़े को जुगनू को उठाकर अपने घोंसले के साइड में रखती है और उसे प्रकाश से वह अपने घोंसले में रखती है, जो कि फिलीपींस में पाए जाने वाले हैं उस पक्षी का नाम है जो कि बोया यानी कि बाल बोया पक्षी। प्रत्येक देश में लगभग पक्षियाँ बहुत अधिक पाए जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा देश है जिनका नाम क्या है जहाँ पर अधिक यानी कि अधिक मात्रा में वहाँ पर पक्षियाँ अंधे ही मिलते हैं? आपको सर्च करने में यह पता होगा कि आप एक गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि कहाँ का पक्षी सबसे अधिक अंधे मिलते हैं। मैं बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड के पक्षियाँ अधिक अंधे ही मिलते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। गाइज पृथ्वी पर कितने प्रकार के यानी कितने प्रकार के तोता का प्रजाति है? पूरे पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ, कितने प्रकार के तोता का प्रजाति है मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे पृथ्वी का बात कर रहा हूँ 300 यानी कि 320 प्रजाति है पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो कि केवल तोता के ही प्रजाति है। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। गाइज क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक बिल्लियां यानी कि बिल्ली को किस देश में मार कर खाया जाता है कैट को? वह देश कौन सा है जहां से कोरोना वायरस निकला है लेकिन वहां कितने बिल्ली को एक साल में खाए जाते हैं? चीन में सबसे अधिक बिल्ली को मार कर खाया जाता है जो कि एक साल में कितनी बिल्ली को? एक साल में 4 यानी कि 4 मिलियन लगभग 40 लाख के करीब बिल्ली को एक वर्ष में मार कर खाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन जो होता है
एटीएम मशीन यानी कि किसी भी ऑफिस में है, उस ऑफिस में यानी कि एसी लगाया हुआ रहता है। क्यों लगाया हुआ रहता है? जो व्यक्ति रुपया निकालने जा रहे हैं उनके लिए या कोई स्टाफ के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि एटीएम मशीन जो है वह 24 घंटे तक ऑन रहता है, यानी कि 24 घंटे ऑन रहता है। ऑन होने के कारण मशीन गर्म हो सकता है, इसलिए अगर एसी नहीं लगाया जाए तो मशीन गर्म होकर बैंकों को अधिक नुकसान होगा, क्योंकि गर्म होकर मशीन जल्द खराब हो जाएगा और एसी लगने के कारण मशीन नहीं खराब होता है, इसलिए एसी लगाया हुआ रहता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।